शांति। आज की तारीख है 29/5/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने जिसकी पूजा की वही इष्ट तुम्हारा अभी क्या बन गया है। तुम्हारे पिता माता सखा बंधु सर्व संबंध उनसे अभी तुम्हारे जुड़ गए हैं और वो तुम्हारा अभी प्रैक्टिकल में बाप बना है और तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में वर्षा देने के अधिकारी भी बना दिया है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा की परम शिक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिक्षाएं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज के रूप में दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये कुकर्म किए हैं, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये तुम्हें सजा है। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। अभी आप सब कहेंगे, अभी तो बाहर निकल नहीं पाते हैं, ऐसी भारत देश की और सारे विश्व की सिचुएशन बनी हुई है, तो फिर सेवा कैसे करें? तो बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा भी सिखाई है, तो हम सभी खूब मनसा सेवा का अभ्यास करते रहे और अभी भी हमें मनसा सेवा के अभ्यास से जो हमने पाया हमें औरों को मनसा के द्वारा पहुंचाना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। बाबा कहते सेवा नहीं करते और सिर्फ खाया पिया सोए तो उसमें कोई हमारी न पढ़ाई है न हमें पद मिलता है। नंबर दो, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज और संपन्न भव। स्पष्टीकरण, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां सब विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है उसे चेक करो कि ये संकल्प विश्व सेवा के प्रति है,
ऐसे सेवा के प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं समर्पण हो जाएंगी, फिर माया से तुम घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे, माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया भी स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।